ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक बढ़िया सा चीज़ बनाएंगे, ठीक है। छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वाली ड्रॉप डाउन कैसे लाना है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से देखते हैं कि इसको कैसे मैंने बनाया। तो यहाँ पर आएंगे पेजेस में और जाएंगे हम लोग कहाँ पर, कि क्योंकि ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा ऐप बार। तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ऐप बार कहाँ है। विजिट में चलते हैं, ऐप बार ये रहा हमारा। अब ऐप बार में हम लोग को क्या करना है, ये देखो यहाँ पे हमारा वो सिस्टम है जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है भाई। अभी ये जो ऐप बार है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी देखो मैं क्या करूँगा, ये जो कंटेनर है ना, पूरा कंटेनर मैं हटाने वाला हूँ। ये कंटेनर क्या था, ये कंटेनर हम लोग पहले ही इसको बना चुके थे, वही कंटेनर हमारा और कुछ नहीं था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना पॉपअप मेन्यू। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है फ्लटर में, ठीक है। पॉपअप मेन्यू में आप ऑन सेलेक्ट पे इस तरह से रख देना, ठीक है, कि जब सेलेक्ट होगा तो क्या होगा, जब सेलेक्ट नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है। ऑन सेलेक्ट में हम लोग इस तरह से लिख दिए, एंड वैल्यू में आप अभी फ़िलहाल के लिए पॉपअप मेन्यू को ऑन सेलेक्ट में इस तरह से लिख दो, अंदर वाली चीज़ें लिखो या नहीं लिखो। उसके बाद आपको आना है आइटम बिल्डर, आइटम बिल्डर में आपको लगाना है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसमें एरे लगा के आपको पॉपअप मेन्यू लिखना है कि कितनी सारे पॉपअप मेन्यू आपके अंदर शो होगी। तो मैंने लगाया कि एक हमारा प्रोफाइल शो होगा, एक हमारा डाउनलोड शो होगा, जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो होगा। उसके बाद आपको चाइल्ड में देना है कि किस पे क्लिक करने से पॉपअप मेन्यू शो होना चाहिए। तो हम लोग ये वाला जो कंटेनर है वो मैंने चाइल्ड पर दे दिया। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा पॉपअप मेन्यू शो होता है, लेकिन अगर मैं प्रोफाइल पर क्लिक किया तब क्या होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि प्रोफाइल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि इफ, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू, अगर हमारा प्रोफाइल आता है, ठीक है, अगर हमारा प्रोफाइल आता है तब जो काम करना होगा वो हम करवा लेंगे, नहीं तो इफ एल्स लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से अगर हमारा प्रोफाइल आता है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि प्रिंट कर दो गो टू प्रोफाइल पेज, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोफाइल पेज नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया। अब जैसे ही मैं इसको रीस्टार्ट कर लूँगा एक बार आर दबा के, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रोफाइल पे, तब देखना कि हमारा टर्मिनल में गो टू प्रोफाइल पेज प्रिंट हो गया। यानी कि हम लोग आसानी से ये वाले जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो बना पाएंगे। अब आप बोलोगे इतना छोटा वीडियो के लिए क्यों वीडियो बना रहे हैं, तो यार ये चीज़ें ज़रूरी थी क्योंकि आप लोग लॉग आउट भी तो करोगे सिस्टम से, तो ये चीज़ें ज़रूरी थी। अब आपको बताता हूँ कि लॉग आउट वाले सिस्टम मैंने कैसे बनाया। अब देखो ऑथ प्रोवाइडर जो है ना, ऑथ प्रोवाइडर यहाँ पे इसमें आप आ जाना, एंड इसमें नीचे चलना और सिर्फ लिखना है लॉग आउट, ठीक है, फ्यूचर लॉग आउट, और इसमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट दे देना ताकि हम लोग ये जो एरर मैसेज है वो शो करवाएं। एंड फिर हम लोग अवेट द ऑथ डॉट साइन आउट, और उसके बाद हम लोग इसको कहाँ भेज देंगे, ऑथ वाला पेज पे, यानी लॉगिन करने के लिए भेज देंगे। अगर एरर आता है तो एरर प्रिंट होगा, नहीं तो लॉगिन हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ था। एंड इसको फिर हम लोग यहाँ पे कॉल कर दें कि जैसे ही वो लॉग आउट पर क्लिक करेगा तो हमारा जो फंक्शन था वो चल जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा और वो लॉगिन वाला पेज पर चल जाएगा उधर। इसको इस तरह से आप टेस्ट भी कर सकते हो, क्लिक करोगे तो देखो लॉग आउट हो गया एंड ये हमारा लॉगिन वाला पेज भी आ गया। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिंपल सा काम भी कर लिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।